नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। आप देखते हैं चारों साइड इस टाइम हरियाली है, तरह तरह के जड़ी बूटी से लेकर के मेडिसिनल प्लांट से लेकर के फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, हर चीज़ यहां पर अवेलेबल है हमारे इस एरिया में। और इसको हम आप तक पहुंचाते भी हैं बाय कुरियर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक्सेप्ट विलेजेस में नहीं जा पाता, बाकी सभी के अंदर जाता है। तो आज एक नए पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आपने कभी नोट किया होगा, पुलाव बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो उसमें इस तरह का एक पत्ता होता है, जला हुआ, सादा जला हुआ पत्ता होता है। कई लोग समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ है ये, क्या पत्ता डाला, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कहिए कि मालूम होता है कि ये पत्ता क्या है। तो इसको बोलते हैं तेज पत्ता। तेज पत्ता मतलब एक अलग किस्म की जो फ्रेग्रेंस है सब्जी के अंदर, टेस्ट है वो ऐड करता है, ये खुशबू ऐड करता, अरोमा ऐड करता उसमें, जिससे हमारी सुगंध लेकर के उसको खाने की इच्छा जागृत होती है। तो इस पत्ते को बोलते हैं तेज पत्ता। तेज पत्ते का ये पौधा आपके सामने है और मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके गुण तो है ही हैं, साथ ही इसको हम अपने घर में ताज़े पत्ते का इस्तेमाल जो बाहर से लेते हैं, कई बार ऐसा होता है उसके अंदर फ्रेग्रेंस होती नहीं, सिर्फ नाम का होता है। बट क्या है कि मैं बताने जा रहा हूँ इस पौधे को हम अपने घर में लगा सकते हैं, और अपने घर में किसी ज़मीन की, खेत की ज़रूरत नहीं है। मात्र 10 इंची के गमले में, ये देखिए ये जो 10 इंची का गमला दिख रहा है मिट्टी का, इसमें लगा के अपनी बालकनी में, अपने छत पर रख सकते हैं। और ज़मीन या क्यारी है तो बहुत ही बढ़िया, सोने पर सुहागा हो गया। तो इस पौधे को हमें लगाना कैसे है, कैसा पत्ता इस्तेमाल करना है, कौन से पत्ते तोड़ने चाहिए, क्या खाद देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, सबसे बड़ी तो वो मिट्टी की है, क्योंकि जहाँ पर ये होता है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी होती है जो हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भी हो जाएगा, बस उस तरह की मिट्टी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें अगर आप चाहते हैं कि फ्रेग्रेंस, अरोमा जो आती है, सुगंध आती है, वो अगर प्रॉपर बना रहे तो उसके लिए हमें खाद कौन सा इस्तेमाल करना है वो खास बात है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के इसका ओरिजिनल जो टेस्ट है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो आइए हम सारी जानकारी जानते हैं आपको कौन सा पत्ता तोड़ना चाहिए। अक्सर पत्ता तोड़ने में गलती करते हैं, फिर कहते हैं टेस्ट नहीं आता है, तो वो पत्ते की मैच्योरिटी भी बताऊँगा। उससे पहले हम लेते हैं एक गमला, ये देखिए ये है हमारा 10 इंची का मिट्टी का गमला, जिसके अंदर हम ये तेज पत्ता प्लांट लगाने वाले हैं। और तेज पत्ते में आज तक आपने फल नहीं देखा होगा, लेकिन ये देखिए ये इसका तेज पत्ते का ये फल बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये फल जो है बना हुआ है इसमें। तो आइए 10 इंची का गमला हमने लिया, उसमें एक होल होना चाहिए जो कि ज़रूरी है एक्स्ट्रा पानी या गैस निकलने के लिए। उसके ऊपर हमने एक टिपरी रख देनी है, ये टिपरी हमने रख दी, इसमें दो होल हैं तो दो टिपरी हम इसमें रख देते हैं। अब आती है मिट्टी की बात। मिट्टी इसकी जो है दोस्तों वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब पानी का स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम गार्डन सॉइल ले लेंगे, नॉर्मल गार्डन सॉइल। अगर आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल हल्का है, भुरभुरा है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर हम एक हिस्सा राइसस का, कोकोपीट का, या राइसस का या कोकोपीट का या फिर मूँगफली छिलके का मिला सकते हैं। कोकोपीट अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर है कि आप इसकी जगह जो है राइस हस्क ले लें या मूंगफली का छिलका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों सूरत में ना मिले तब आप उसका इस्तेमाल करें, किसका, कोकोपीट का। अब ये हम क्या डालेंगे इसके अंदर, कोई ख़ास खाद नहीं डालने वाले हैं। देखिए न्यूट्रिशन के लिए तो हर एक को ज़रूरत होती है, तो सबसे पहला जो न्यूट्रिशन में खाद आता है हमारे पास होता है लीफ कम्पोस्ट। लीफ कम्पोस्ट कितना डालेंगे एक गमले के लिए, 2 से 3 कप, ये देखिए 2 डाल दिया और ये 3 डाल दिया, 3 बहुत है। और इसके साथ ही हम इसकी स्ट्रेंथ के लिए प्रॉपर इसके लिए 1 कप जो है हम इसके अंदर क्या डालेंगे, कैल्शियम पाउडर, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक तीनों की मात्रा अच्छी मात्रा में नेचुरल फॉर्म में मिल जाती है, जो हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, कहने का मतलब हार्डनेस देता है और होल्डिंग कैपेसिटी देता है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद हमें इसको मिला लेना है, ये देखिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, अब ये रही पत्ते वाली चीज़ जिसका हमें पत्ता इस्तेमाल करना है, यानी कि जितने ज़्यादा फल की बात नहीं है इसमें, जितने ज़्यादा पत्ते आएंगे उतना हमारा इस्तेमाल हो पाएगा। तो इसकी ग्रोथ चाहिए प्रॉपर, इसकी ग्रोथ को एनहांस करने के लिए, इनक्रीज़ करने के लिए
कोई केमिकल हम यूज नहीं करेंगे, ये चीजें मिला दी। साथ में देखिए ये ऑर्गेनिक कार्बन होता है, एक तरह का सॉयल एक्टिवेटर है। सॉयल एक्टिवेटर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी, इसके अंदर हमने खाद तो मिलाई, लेकिन दांत से हम चबा के खाना खा लेते हैं, बट पौधों के दांत नहीं है, वो धीरे धीरे जब डिजोल्व होता है तो चूसते हैं। तो ये क्या करता है, वो जो खाद हमने डाली है उसको चबाने का, यानी कि डाइजेस्ट करने का, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कार्बन ही आप देख लें, आज ये कार्बन देखिए, ये कार्बन है, बिल्कुल जैविक कार्बन मिट्टी में होना ज़रूरी हो जाता है अगर आपके पौधे की ग्रोथ को प्रॉपर बनाए रखना है। तो ये हम ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके लिए, ये देखिए दो मुट्ठी डालेंगे, और ये जो बैक्टीरिया इंक्रीज कर देगा, जो इस खाद का ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कैल्शियम कैल्शियम में, आयरन आयरन में, और इस तरह के देखिए केचुए भी इस मिट्टी में आपके सामने मौजूद हैं जैविक। तो ये सारी चीज़ें हम मिला लेते हैं, कार्बन मिलाना ना भूलें। अगर जल्दी जल्दी पत्ते चाहिए तो प्रॉपर तरीके से कार्बन को मिलाएं, ताकि क्या है कि वो मिट्टी जो है, खाद जो है वो डिसॉल्व हो जाए और हमारा प्लांट उसको ले करके फटाफट से इंक्रीज़ हो जाए। कहने का मतलब, कड़ी पत्ता है जैसे, पत्ते वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पत्ते के लिए, ज़्यादा ग्रोथ के लिए इसका होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमने मिट्टी मिक्स कर ली है लगभग, ये देखिए प्रॉपर तरीके से मिट्टी जो है हमारी मिक्स हो चुकी है। गमले में हमने टिपरी डाल ली थी, अब इस मिट्टी को हम इसमें भर लेंगे, ये इस तरह से भरिए आप। और ये ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। अब हम ये पौधा उठाते हैं, या ये पौधा उठा लेते हैं जिसमें फल लगा था। पहली बात तो हम कोशिश करेंगे थैली हमारी काम आ जाए, तो इसको थोड़ा सा हमने प्रेस किया और इसको ऐसे खींचेंगे। देखिए अब ये रूट जो है, बरसात के दिन है, तैयार हैं बिल्कुल रूटिंग के लिए। अब ये रूट जैसे ही जगह मिलेगी एकदम से ग्रोथ पकड़ेगा। तो ये देखिए इसको रख के देखते हैं, बिल्कुल सही पोजीशन पे है, और इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए हम ये नीचे जो है दो मुट्ठी है जो खाद हमने यूज़ किया वो डाल सकते हैं इसमें, वेजिटेबल मिक्स भी डाल सकते हैं, ऑल पर्पज़ वो बढ़िया रहता है। तो ये हम डाल करके और इसको मिट्टी से फुली भर देंगे, फुली भर देंगे। उससे पहले एक लेयर और डालेंगे, देखिए एक लेयर डल गया, एक लेयर और हम खाद की डाल देंगे ताकि ये जो है फटाफट ग्रोथ पकड़ ले। ये देखिए दोस्तों, ये हमने डाल दिया। अब बात जो बताने वाली थी, अक्सर क्या करते हैं हम, 3-4 इंची की जगह गमले में छोड़ देते हैं, बिल्कुल मत छोड़िए, सिर्फ 1 से 1.5 इंची जगह ही आप अपने गमले में रखें। ये देखिए इतना ही जगह आप रखें और इतना ही पानी डालेंगे इस पौधे के लिए सफिशेंट है। अब बात ये आती है कि पानी कब कब डालें। पानी आप तभी डालें जब आपको लगे कि मिट्टी 3-4 इंची गमले की सूख गई है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि पौधे हमारे पास चलते नहीं, कारण क्या होता, हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, डेली पानी डाल देते हैं, मतलब पौधे लगाए हैं तो उसको पानी डालना है, यानी उसको ज़रूरत है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये रखना पड़ेगा, अगर हमें भूख है तभी खाना खाना चाहिए, ओवर ईटिंग करेंगे तो डाइजेशन की दिक्कत आएगी, वॉमिटिंग लगेगी। तो इसी तरह प्लांट जो है वॉमिट तो नहीं कर सकते, डाइजेशन की दिक्कत होगी और वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे। तब हम पानी डालते हैं, कितना पानी डालेंगे ये भी देख लें, इसके अंदर बड़ी मुश्किल से 1 लीटर पानी आपका आएगा। ये देखिए ये पानी हमने 1 लीटर डाल दिया। अब बात, जब तक पानी ड्रेन होता है, 1 मिनट में ड्रेन हो जाएगा, तब तक हम बात करेंगे कौन से पत्ते यूज़ करने चाहिए। अब ऊपर के पत्ते जो हैं मैच्योर नहीं हैं, उसके अंदर फ्रेग्रेंस मैच्योरिटी प्रॉपर नहीं हुई है। हम ऊपर से अक्सर क्या करते हैं, झुकने के बजाय ऊपर से पत्ते तोड़ लेते हैं, ये पत्ते तोड़ लेंगे फिर कहते हैं टेस्ट नहीं आया। देखिए पत्ता जो बिल्कुल डार्क कलर का हो चुका है, नीचे के पत्ते हैं, हमेशा कड़ी पत्ते में भी वही तोड़ना चाहिए और इसमें भी उसी पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पूरी फ्रेग्रेंस या पूरा जो उसका न्यूट्रिशन है वो मिले। तो मैच्योर्ड पत्ते को आप तोड़िए नीचे से, ना कि ऊपर से, ऊपर वाला पत्ता बढ़ने दें, नीचे से पत्ते तोड़ तोड़ के खाएं। अगर इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो ऊपर की जो ट्रिम कर दें कटिंग, और ये पौधा आपका बुशी हो जाएगा। देखिए जितनी देर में हमने आपको ये 2-4 चीज़ें बताई, इतनी देर में ही ये पानी जो है, मिट्टी वेल ड्रेन थी, पानी अंदर सीप कर गया है।
अब ये 3 से 4 दिन हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। जब थोड़ी सी सुखाई हो जाएगी तो हल्का हल्का जो है हम इसमें गुड़ाई कर देंगे मिट्टी सूखने के बाद। गुड़ाई करने का क्या फंडा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या मतलब, जब तक इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तब तक ऑक्सीजन जड़ों में नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा ये भी जीती जागती चीज़ है, तो सांस नहीं ले पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके इस तेज पत्ते जैसी खुशबूदार मसाले को अपने घर में लगा सकते हैं। और ये हमारे पास अवेलेबल है किसी तरह के मटेरियल के लिए या प्लांट्स के लिए, जस्ट आपको व्हाट्सएप पे लिखना है तेज पत्ता प्लांट, बस उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कॉल ना करें, कॉल उठा नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स हो जाती हैं, एक से बात करते हैं तब तक 5 से 7 कॉल छूट जाती हैं, फिर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि आप तो कॉल उठाते ही नहीं। दोस्तों फिर बड़ा बुरा लगता है जब सारा दिन कॉल पे परेशान है और कह देते हैं कि कॉल तो आप उठाते ही नहीं हैं। तो कहना तो बड़ा आसान होता है लेकिन जो उस सिचुएशन पे होता है उसको पता होता है। तो उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगे, हरियाली को कायम करने में बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।